सुल्तानपुर में टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में कुलदीप श्रीवास्तव को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया के समय संरक्षक विजय सेठ, चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश बरनवाल समेत अधिवक्ता गण मौजूद रहे। साथ ही सर्वसम्मति से ही अन्य पदाधिकारियों का भी चयन कर लिया गया। सुल्तानपुर में आम आदमी की छात्र विंग CYSS ने तिरंगा यात्रा का आयोजन सौरभ मिश्रा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किया। CYSS के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि जीत की खुशी पर तिरंगा यात्रा निकालकर सुल्तानपुर वासियों को जागरूक किया गया और शिक्षा और रोजगार स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता 5 किलो गेहूँ और 1 किलो नमक और चने पर वोट की है। अयोध्या के थाना हैदरगंज पुलिस द्वारा 3 CCTV कैमरा व 1 साइकिल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। फतेहपुर सचिव पूर्णकालिक अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आम जनमानस को पैम्पलेट देकर सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा कराया जाएगा। वादों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामले कंप्यूटर में दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अमेठी के SJS पब्लिक स्कूल गौरीगंज में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक परीक्षा फल का वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। अमेठी में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त और लेखाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फरवरी के वेतन एरियर व DA भुगतान की मांग की। PSPSA के जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप मिश्र के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों से संबंधित समस्याओं पर वित्त एवं लेखा अधिकारी रामेंद्र कुमार मौर्य से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा। अमेठी के ब्लॉक जामो के अंतर्गत ग्राम सभा बलभद्रपुर में स्थित रानीपुर पश्चिम के प्राथमिक विद्यालय में 193 छात्रों की संख्या है। 6 अध्यापकों का स्टाफ भी है, मिड डे मील भी है, लेकिन विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। विद्यालय में न तो पीने का जल है और न ही शौचालय। प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिकायत के बावजूद भी हमारे विद्यालय में एक इंडिया मार्क नल की व्यवस्था तक नहीं है। बच्चे जल तथा शौचालय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। अमेठी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर विधवा महिला को दबंग ने घर में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा। किसी तरह जान बचाकर घर से निकली पीड़ित महिला पुलिस चौकी पहुंची। पीड़ित महिला को स्थानीय पुलिस ने चौकी से भगाया, यह आरोप लगा है। दबंगों पर मेहरबान है स्थानीय पुलिस। विधवा महिला कल से थाने का चक्कर काट रही है। सूरतनगंज के इन्होना चौकी के अंतर्गत का ये मामला है। अमेठी में आगामी होली व शब बरात पर्व को लेकर जायस थाना परिसर में पीस कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न हुई। थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्रा ने अराजकता फैलाने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से भी लोग मनाएं। अगर कोई भी उपद्रव किया तो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में होली लगाने गए युवक की कुएं में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम इंदिरा नगर मजरेकपुरा थाना मोहनगंज क्षेत्र का ये मामला है। 17 वर्षीय किशोर पिंकू शाम करीब 7 बजे होली का रंग लगाने गया था, जहां से लापता हो गया। किशोर की चप्पल कुएं में दिखाई पड़ी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज